हाय, दिस इज ज़ैनबाद खान एंड आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीच पर। शो लंबा चलने का तो कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज शो था ही 6 महीने का। थैंक यू सो मच मेरे सारे लोगों को, सारे मीडिया वालों को जो रोज़ आके हमारी वाइस लेते थे, रोज़ हमारे बिहाइंड द सीन शूट करते थे। एंड ब्रांड बना दिया सुहागन चुड़ैल, एवरीबडी नोज दैट सुहागन चुड़ैल इज अ थिंग, जैसे नागिन एक बहुत बड़ा ब्रांड है। और शो का जो एंड का जो भी जो पार्ट है जो आप देखने वाले हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहा हूँ यार, बिकॉज आई थिंक हमने 6-7 महीने शूट किया है, एंड आफ्टर 6-7 महीने शूट करने के बाद भी आपको एक अटैचमेंट सा हो जाता है सारी चीज़ों से, सेट के लोगों से, यूनिट वालों से। सो आई थिंक आज वही नॉस्टैल्जिक डे है, और आज के दिन, आज का दिन वो दिन होता है जो हर शो का एक आखिरी दिन होता है। आपको पहले दिन की सारी मेमोरीज याद आती हैं, तो आई थिंक बस वही सारी पुरानी मेमोरीज याद आ रही हैं। एंड इट वाज अ वंडरफुल जर्नी यार, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हमने बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही इनह्यूमन कंडीशंस में हमने शूट स्टार्ट किया था। हमने राजस्थान के अंदर फुल बे बॉडी सीक्वेंसेस हमने किए थे अंडर द सन, एंड गर्मियों के अंदर राजस्थान में हमने शूट किया था, एंड इट वाज फन, बहुत मज़ा आया यार। एंड थैंक यू सो मच मेरे सारे लोगों को, सारे मीडिया वालों को जो रोज़ आके हमारी वाइस लेते थे, रोज़ हमारे बिहाइंड द सीन शूट करते थे। एंड टू ऑल माई लवली फैंस, टू ऑल माई व्यूअर्स, थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने इस शो को भी बहुत प्यार दिया, आपने इस शो को भी बहुत ही पसंद किया लोगों ने। ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट जॉनरा था, हर इंसान को सुपर नेचुरल नहीं पसंद आता है, बट एनी वेज थैंक यू सो मच यार, बहुत मज़ा आया। यार शो लंबा चलने का तो कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज शो था ही 6 महीने का, मतलब हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी जो थे, और जो हमारी स्टोरी भी थी वो स्टोरी इतनी ही थी, बिकॉज सुहागन चुड़ैल इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग फ्रेंचाइजी, एंड कलर्स उसको एक फ्रेंचाइजी बनाना चाह रहे थे, जो उन्होंने बना दिया, एक ब्रांड बनाना चाह रहे थे, एंड ब्रांड बना दिया सुहागन चुड़ैल, एवरीबडी नोज दैट सुहागन चुड़ैल इज़ अ थिंग, जैसे नागिन एक बहुत बड़ा ब्रांड है कलर्स टीवी का, वैसे ही सुहागन चुड़ैल एक उनको बहुत बड़ा ब्रांड बनाना था। एंड इट वॉज सपोज टू बी 6 months ओनली, इट वॉज सपोज टू बी 100 episode, 50-70 episode, समथिंग लाइक दैट ओनली। सो उसी तरह से हुआ है, तो इट्स नथिंग न्यू, मतलब ऐसी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे लिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सुहागन चुड़ैल का सीजन 2 आएगा, नहीं आएगा ऑब्वियसली, आपको लास्ट एपिसोड में उसका एक ग्लिम्स देखने को मिल जाएगा, पर आई डोंट थिंक आपको मुझे उसमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, बिकॉज एक नई स्टोरी होनी चाहिए, जैसे हर फ्रेंचाइजी के अंदर एक नई भूमिका लोग निभाते हैं, नया किरदार होता है, सारी चीज़ें नई तरह से शुरू होती हैं, तभी उसमें मज़ा भी आता है। अगर वो सेम ही चीज़ रिपीट हो जाएगी तो आई थिंक उसमें न्यूनेस नहीं रहती। यार ये शो की कहानी कैसे ख़त्म होगी, वो आप जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं, आप देखेंगे ना तो ज़्यादा आई थिंक इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जेन्युइनली जिस तरह से मेकर्स ने रैप किया है शो, इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग, और स्पेशली अभी हम क्लाइमैक्स से शूट कर रहे हैं, एंड लिटरली आफ्टर रीडिंग दैट आई फेल्ट सो वॉर्म्ड एंड ओवरवेल्म्ड कि यार बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने कल्मिनेट किया है सारी चीज़ों को, एंड बहुत अच्छी तरह से रैप किया है शो को यार। और शो का जो एंड का जो भी जो पार्ट है जो आप देखने वाले हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो या थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरी शो को, मुझको आपने इतना प्यार दिया, एंड ऐसे ही इतना प्यार देते रहिए, एंड बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा भी आने वाला है जो अभी मैं नहीं बता सकता, पर जैसे ही आएगा आप सबको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।